तो चलिए दोस्तों फिर से एक नए एपिसोड में आज हम सीखेंगे अपने घर के पालतू पशुओं के गले में बांधने के लिए कुछ इस टाइप की सुंदर डिजाइन के साथ साथ एक कलरफुल घुंघरु की माला कैसे बनानी वैसे ये घुंगरू की माला भेड़ बकरी कुत्ते जैसे छोटे जानवर को भी बांध सकते हो या फिर गाय भैंस बैल ऊट घोड़ा इस टाइप के बड़े जानवर को भी बांध सकते हो और देखा जाए तो माला के ऊपर पहले भी बहुत सारे एपिसोड बने हुए जिसके अंदर हमने घुघरू की सिंगल लाइन डबल लाइन किस तरह से बनाने छोटे घुघरू बड़े घुघरू ऐसे अलग अलग प्रकार की मालाएँ सीखी हुई आपने वो एपिसोड देखे भी होंगे और जिन भाइयों ने नहीं देखे ऊपर देखिए राइट कॉर्नर में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वीडियो दे दी है वहाँ जाकर आप बढ़िया से सीख सकते हो देख सकते हो और हाँ यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हो लुक माइनर्स यूट्यूब चैनल जिसे आप चाहो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं

कोई भी रस्सी हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो दो एम एम हो या फिर दो तीन एम एम तक की रस्सी का इस्तेमाल आपने करना है उससे ज़्यादा नहीं करना है अगर ज़्यादा करोगे तो उसकी जो डिज़ाइन है वो सही से नहीं बन पाएगी मोटी या फिर आड़ी टीढ़ी बन जाएगी फिर मज़ा नहीं आएगा उसके बाद देखिए ये जो घुंघरू है ये नॉर्मल घुंघरू है ये सस्ते मिल जाते हैं इसकी जगह आप ब्रास के पीतल के घुंघरू का इस्तेमाल कर सकते हो और ये देखिए कुछ मनी है आपके पास मनी है तो बहुत बढ़िया और नहीं है तो कोई बात नहीं मनी नहीं होने से भी काम चल जाएगा बस ये उसके डेकोरेशन के लिए उस इससे क्या होगा उसकी जो खूबसूरती है और भी बढ़िया हो जाएगी इसके बाद दो काट पेंसिल जिसको सीस पेंसिल बोलते हैं या फिर इसका जगह आप पेन का या फिर सीधे लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो इसका काम सिर्फ माला को पकड़ के रखने के लिए और माला को पकड़ के रखने के लिए ऊपर से रबर बैंड भी लगाएंगे तो नॉर्मल साइज़ का रबर बैंड भी आपके पास होने चाहिए तो चलिए दोस्तों इन सभी सामान का इस्तेमाल करके सुंदर डिजाइनर माला केसरानी शुरू करते हैं तो सबसे पहले सभी रस्सियों को इस तरह से डबल कर लेना है डबल करने के बाद जो सेंटर पॉइंट मिलेगा उस तरफ बनाएंगे सुंदर बुनाई करके एक छोटा सा लूप लूप कितना छोटा होगा दो अंगल इसके अंदर फंस जाए इतना छोटा बनाना है तो उसके लिए क्या करना है सेंटर पॉइंट से थोड़ा पीछे नॉर्मल धागे से बांध के रख देना है जिससे क्या होगा जब हम बुनाई करते हुए आगे चलेंगे तो पीछे नहीं खुलेगी उसके लिए रस्सी को आगे छोड़ दीजिए जिस तरफ बुनाई करनी है वो हिस्सा आपके तरफ होना चाहिए यहाँ क्या करना है कलर कॉम्बिनेशन के साथ दोनों रस्सियों के हिस्सों को अलग कर देना है दोस्तों ध्यान से देखिए गौर से सुनिए वीडियो को स्किप ना करें जंप ना करें दोनों रस्सियों को अलग करने के बाद अब इन चारों रस्सियों में से जो रस्सी सबसे बाहर है उसको लेना है इन सभी के नीचे से और बाएं तरफ लेके आए बाएं तरफ है काली रस्सी ब्लैक रस्सी दो रस्सी ऊपर दो रस्सी नीचे इसके बीच में से नीली रस्सी निकालनी है और दोबारा वापिस अपने जगह पकड़ लेनी है मतलब इसके साथ पकड़ लेनी ये हो गया अब बात काले कलर की इसको लिया सभी के नीचे से दाहिने तरफ लेके आए दो नीले रस्सी ऊपर दो नीचे इसके बीच में से लिया और दोबारा अपने घर के तरफ पकड़ लिया मतलब काले के का पास पकड़ लिया इसी सीक्वेंस को जारी रखना है अब नीले का नंबर बाहर की नीले रस्सी सबके नीचे से काली रस्सी दोनों के बीच में से लेना है और दोबारा दाहिने तरफ पकड़ लेना है तो इसी तरह से सिक्वेंस वाइज एक बार काले कलर की एक बार नीले कलर की रस्सी को इस तरह से आपस में लपेटते हुए बुनाई करते हुए एक छोटे से लूप की साइज़ की बुनाई कर लेंगे दोबारा एक बार देख लीजिए नीले रस्सी को नीचे लिया दो काली ऊपर दो नीचे इसके बीच में से नीली रस्सी ले ली और दोबारा वापस पकड़ ली तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके की बुनाई यहाँ बनकर तैयार हो रही है तो इसी सीक्वेंस को हम जारी रखेंगे और एक बार पूरी बुनाई कर लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना तो है? देख सकते हैं लूप की बुनाई पूरी हो चुकी है बहुत ही सुंदर और एक छोटे साइज का लूप हमने बना लिया जैसे मैंने आपको पहले कहा था दो उंगल फंसे इतना लूप बड़ा बना बन लेना है तो बहुत ही बढ़िया लूप बना है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी बुनाई किस तरह से कंटिन्यू करनी है उसके लिए क्या करना होगा इस लूप को कहीं अटकाना होगा कहीं फिक्स करना होगा देखिए लूप को हमने बांध दिया है अब लेते हैं पेंसिल और रबर बैंड अब इसको कैसे करना है पेंसिल के अंदर हमने कुछ इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन के साथ रस्सियों को सेट कर दिया है अब शुरू करते हैं इसकी असली बुनाई बुनाई शुरू करने से पहले एक निवेदन है वीडियो को आखिर तक देखें स्किप ना करें क्योंकि वही चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपके काम की है तो करना क्या है टोटल सोलह रस्सियों में से आठ रस्सिया दाहिने तरफ आठ रस्सिया बाएं तरफ कर लेनी है ठीक है दोस्तों ये होने के बाद शुरुआत कैसी भी कीजिए पर जिस तरफ से शुरुआत करोगे उस तरफ एक रस्सी एक्स्ट्रा लेनी मतलब अगर हम दाहिने से शुरू कर रहे हैं तो बाएं से एक रस्सी एक्स्ट्रा इस तरफ लेनी है अब दाहिने तरफ हो गई नौ और बाएं तरफ हो गई सात तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे बुनाई शुरू करेंगे करना क्या है सबसे बाहर की रस्सी इसको लेना है ऊपर से तीन पकड़ लेनी है तीन के ऊपर से डाल देनी है इस टाइप से फिर अगले तीन के नीचे तरफ से और बाकी बची हुई दो के ऊपर से देखिए तीन के ऊपर बीच वाले तीन के नीचे और बची हुई दो के फिर ऊपर तो इसी तरह से इसको पकड़ लेना है शुरुआत में ज़्यादा टाइट नहीं करना है उसके बाद फिर इसी तरफ से जो बाहर की रस्सी है नीली इसको नीचे तरफ से लेना है आप तीन रस्सियाँ पकड़नी है इसके नीचे से ऊपर लेके आनी है उसके बाद नेक्स्ट तीन के ऊपर से नीचे ले जानी और बची हुई एक के नीचे से इस टाइप से पकड़ लेना है ठीक है शुरुआत में यहाँ टाइट बहुत ही कम करना है या फिर नहीं करना है उसके बाद हम लास्ट में टाइट करेंगे उसको ये होने के बाद अब क्या करना है बाएं तरफ आ जाते है अब बाएं तरफ कितनी रस्िया हो गई पहले थी सात और दो नो ये दो नौ हो गए ठीक है दोस्तों ये नौ होने के बाद सेम इसी तरह से करना है जो सबसे बाहर की रस्सी इसको उठाना है ऊपर से तीन के ऊपर अगले तीन के नीचे और बचे हुए दो के ऊपर तरफ से जैसे हमने दाहिने तरफ किया सेम वैसे और उसको दाहिने तरफ पकड़ लिया दोबारा बाएं तरफ की काली रस्सी पकड़ी अब नीचे तरफ से करना है तीन के नीचे से नेक्स्ट तीन के ऊपर तरफ से और जो बची हुई नीली रस्सी है इसके नीचे तरफ से ऐसे बड़े आराम से डिटेल से मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ बस गौर से सुनिए ये हो गया एक स्टेप सेम स्टेप आपको कंटिन्यू करना है अब आते हैं दाहिने तरफ सबसे बाहर की तीन रस्सियों के ऊपर से अगले तीन के नीचे से और जो बची हुई दो है उसके ऊपर तरफ से ये ले लिया और बाएं तरफ पकड़ लिया दोबारा दाहिने तरफ की ये रस्सी एक रस्सी हमने ऊपर से ली एक रस्सी नीचे से लेने तीन के नीचे से अगले तीन के ऊपर से और नेक्स्ट जो बची एक उसके नीचे से और ऐसे पकड़ लेना है ठीक है दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन को गड़बड़ नहीं होने देना रस्सी को आपस में पलटी नहीं होने देना नहीं तो क्या होगा अपनी डिज़ाइन जो है वो थोड़ी गलत हो सकती है ख़राब हो सकती है ये हो गया अब आते हैं बाय तरफ वैसे जो सबसे बाहर की रस्सी है इसको उठाना है तीन के ऊपर से अगले तीन के नीचे से जो दो बची हुई है इनके ऊपर तरफ से और ऐसे दाहिने तरफ पकड़ लेना है ठीक है ये हो गया अब दोबारा एक को ऊपर से लिया नेक्स्ट काली को नीचे से तीन के नीचे से उसके बाद तीन के ऊपर से और एक जो बची है इसके नीचे से और दाहिने तरफ पकड़ लेनी अब क्या करेंगे धीरे धीरे खींचते हुए सभी रस्सियों को टाइट करेंगे शुरुआत में ज़्यादा टाइट नहीं करना है नहीं तो क्या होगा गठाने खुल सकती है या फिर डिज़ाइन गड़बड़ हो सकती है ये हो गया अब इस तरफ की जितनी भी रस्सी इनको धीरे धीरे टाइट करना है ये इस टाइप से ठीक है दोस्तों ये हो गया बड़ा ही आसान तरीका है बस ध्यान से देखने से आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा ठीक है अब दोबारा दाहिने तरफ आ जाते सबसे बाहर की रस्सी तीन के ऊपर से अगले तीन के नीचे से और जो दो बच्चे हैं इसके ऊपर से ऐसे पकड़ लिया फिर से दाहिने तरफ की नीली रस्सी अब तीन के नीचे से अगले तीन के ऊपर तरफ से और बची हुई एक के नीचे तरफ से ये इस तरफ पकड़ लिया ये होने के बाद अब आते हैं बाएं तरफ कलर कॉम्बिनेशन अपना बिल्कुल सही चल रहा है ये हो गया अब बाहर की रस्सी उठाई तीन के ऊपर से दो अगले तीन के नीचे से और अगले दो के ऊपर से इस तरह से पकड़ ली रस्सियों को हल्का हल्का टाइट कर लिया फिर बाएं तरफ की काली रस्सी तीन के नीचे से अगले तीन के ऊपर तरफ से और बची हुई एक के नीचे से इस तरह से और बढ़िया से इसको टाइट कर देना है दोबारा एक बार इसको हल्का हल्का टाइट कर लेते हैं ये इसी तरह से देखिए साइड व्यू जो है साइड की जो बनाई है बहुत ही बढ़िया तरीके से बनती आ रही है इस तरफ भी देख लीजिए बहुत ही सुंदर तरीका दोस्तों तो इसी तरीक़ों को आपने रिपीट करना है अब हम क्या करते हैं लगभग 10 से 12 स्टेप इसकी सेम बुनाई कर लेते हैं बुनाई करने के बाद आगे शुरू करेंगे उसके अंदर घुंघरू और मनी किस तरह सेट करना है तो देख सकते हैं लगभग 10 स्टेप तक बुनाई पूरी कर ली है अब क्या करना है इसके बीच में सेट करते हैं घुघरू और साइड में सेट करते हैं कलर के मनी घुंघरू कहाँ लगाने हैं ये जो रस्सी आ रही है बीच वाली ये जो हिस्से ये वाले हिस्से इनके बीच में घुघरू सेट करना है और जो रस्सी ऊपर तरफ से आएगी इस तरफ आ रही काली रस्सी दूसरी तरफ आएगी नील रस्सी तो इनके बीच में सेट करेंगे मनी कैसे करना है ध्यान से देखिए गौर से सुनिए तो सबसे पहले लेना है घुंघरू और इस रस्सी के अंदर सेट करना है तो घुंघरू को एक बार इसके अंदर डाल लेते हैं ये देखिए ये घुंघरू ऊपर आ गया यहाँ इसको पकड़ लेना है ठीक है दोस्तों ये हो गया और साइड की जो रस्सी है नील रस्सी इसके अंदर डाल देना है मनी तो मनी को इसके अंदर से ऊपर तरफ लेके आते ये वो मनी ऊपर आ गया और जैसे हम पहले से बुनाई करते हुए आ रहे सेम बुनाई करनी है तीन के ऊपर से अगले तीन के नीचे से और नेक्स्ट दो के ऊपर से इस तरह से हमने माला का पहला घुंघरू और पहला मनी सेट कर दिया ये हो गया काले रस्सी को तीन के नीचे से तीन के ऊपर से और सिंगल एक के नीचे से ठीक है तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से हमने मनी और घुंघरू को सेट कर दिया सेम इसी तरह से दाहिने तरफ करना है एक मनी ऊपर तरफ ले लेना है ऐसे ये मनी लिया और बुनाई पहले जैसी तीन के ऊपर से अगले तीन के नीचे दो के ऊपर से और ऐसे बढ़िया से इसका सेटिंग कर देने ठीक है दोस्तों ये हो गया ये होने के बाद नीले रस्सी को तीन के नीचे से तीन के ऊपर से और बची हुई एक के नीचे से तो आप देख सकते हो दो मनी एक घुघरू हमने इसके अंदर सेट कर दिया है अब ध्यान देने वाली बात यह है जैसे हमने मनी एक के अंदर सेट किया इसके बाद एक स्टेप खाली छोड़ देनी है उसके बाद के स्टेप के अंदर मनी सेट करना है वैसे इस तरफ भी एक रस्सी खाली छोड़ देनी है उसके बाद के रस्सी के अंदर मनी सेट करना है घुंघरू के लिए भी वही एक के अंदर घुंघरू सेट किया दूसरी रस्सी या फिर दूसरा हिस्सा खाली छोड़ देना है जब तीसरा हिस्सा आएगा उसके अंदर घुंघरू सेट करना है तो पहले एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं फिर तीसरे स्टेप के अंदर देखेंगे रहे कैसे सेट करना है तो दोबारा इसको तीन के ऊपर से तीन के नीचे से दो के ऊपर से ऐसे सेट करते चलना है फिर वही तीन के नीचे तीन के ऊपर बचे हुए एक के नीचे देखिए ये हो गया उसी तरह से दाहिने तरफ तीन के ऊपर तीन के नीचे दो के ऊपर तरफ बड़ा ही आसान तरीका है दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली तीन के नीचे अगले तीन के ऊपर और एक के नीचे तो आप देख सकते हो एक में हमने घुंघरू सेट किया था एक स्टेप यहाँ खाली छोड़ दी और तीसरी स्टेप ये आ गई अब इसके अंदर दोबारा डालना है घुंघरू घुंघरू यहाँ आ गया उसके बाद सेम दोनों तरफ के जो हिस्से दोस्तों उसके अंदर डाल देने हैं मनी तो घंघरू आ गया अब जो बाहर का हिस्सा है इसके अंदर डालेंगे मनी ये मनी ऊपर आ गया और सेम पहले जैसा तीन के ऊपर से अगले तीन के नीचे से और बचे हुए दो के ऊपर तरफ से और बढ़िया से मनी को सेट करते हुए पकड़ना है ठीक है ये हो गया फिर काले को तीन के नीचे तीन के ऊपर और एक के नीचे तो इसी तरह से घुँघरू और मनी सेट करते चलना है इस तरफ भी एक मनी ऊपर ले लेना है या गया यहाँ भी सेम पहले जैसा ही तीन के ऊपर अगले तीन के नीचे दो के ऊपर मनी को बढ़िया से सेट करना है फिर नीले रस्सी को लेना है तीन के नीचे तीन के ऊपर और बची हुई एक के नीचे देखिए एक स्टेप खाली छोड़ने के बाद दोबारा घुंघरू सेट करना है इसके बीच में देखिए एक के अंदर घुंघरू एक स्टेप खाली और ये तीसरे स्टेप के अंदर हम घुंघरू सेट करेंगे तो एक लेते हैं घुंघरू इसके अंदर पहले डाल लेते हैं घुंघरू डालने के बाद डालते हैं साइड के हिस्से के अंदर मनी देखिए एक तरफ का मनी सेट हो गया अब चलते हैं दूसरे तरफ तो बाहर की रस्सी पकड़नी है और इसके अंदर एक मनी डाल देना है तो देख सकते दोस्तों माला के अंदर हमने छः मनी और तीन घुंघरू को बढ़िया से सेट कर दिया है आशा करता हूँ कि आपको इस तरीका बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो वीडियो में आगे बढ़ते और पूरी माला की बुनाई कर लेते हैं पूरे घुघरू सेट कर लेते हैं उसके बाद आखिरी में देखेंगे क्या करना है तो देख सकते दोस्तों घुंघरू की माला की बुनाई लगभग पूरी हो चुकी है बस एक आखिरी काम बचा हुआ है करना क्या है जैसे हमने शुरुआत में लूप बनाया था तो लूप के अंदर बांधने के लिए हमें कुछ इस टाइप की रस्सी की बुनाई करनी होगी रस्सी की बुनाई कैसे करनी ये हमने लूप के अंदर ही सीखा है यह बस कलर कॉम्बिनेशन का अंदर है कलर कॉम्बिनेशन यहाँ अलग किया था यहाँ अलग है इसलिए बुनाई थोड़ी अलग दिखाई दे रही होगी तरीका सेम है दोनों का तरीका एक ही है फिर भी आपको और समझाने के लिए मैं इस तरफ़ की जो बुनाई है मैंने छोड़ दी थी जैसे हमने शुरुआत में सीखा था सबसे बाहर की रस्सी इसको नीचे तरफ से लेना है सभी के नीचे तरफ और दूसरे तरफ जो चार हिस्से उसके बीचों बीच से निकाल लेना है और अपने तरफ पकड़ लेना है ठीक है ये हो गया एक इसी तरह से दूसरे चार हिस्से में से सबसे बाहरी हिस्सा लेना है सभी के नीचे से और दाहिने तरफ जो चार रस्सियाँ उनको अलग कर देना है और उसके बीच में से पकड़ लेना है तो यही तरीका दोस्तों इसी तरीके से आपने क्या करना है सेम इस टाइप की बुनाई कर लेनी है दोबारा एक बार देख लीजिए नीचे से लिया इन चारों के बीच में से और वापस पकड़ लिया ठीक है फिर बाएं तरफ की रस्सी ली ये सभी के नीचे से और इन चारों के बीच में से दोबारा वापस पकड़ ली तो इसी सीक्वेंस को आपको कंटिन्यू करना जब तक बुनाई इस टाइप से पूरी नहीं हो पाती तो, तो देख सकते हैं दोस्तों माला के आखिरी हिस्से की बुनाई करने के साथ साथ माला पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी हैं आप भी इसी तरह से बना सकते हो एक बार मैं चारों तरफ से दिखाना चाहूंगा देखिए शुरुआती हिस्सा है यहाँ हमने लूप बनाया था लूप के बाद यहाँ मुदन गठान से पैक कर दिया दोस्तों मुदन मुदनगठान कैसे लगाने ये बहुत सारे एपिसोड के अंदर मैंने सिखाया हुआ इसलिए मैंने इसके ऊपर खास समय नहीं लिया उसके बाद इसकी डिज़ाइन देखिए कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन बहुत ही गजब की यूनिक तरीका है दूसरी तरफ देखिए यह भी उसी टाइप से यह भी है तो माला या फिर जो बेल्ट बना हुआ है ये चारों तरफ से बिल्कुल सेम है पीछे तरफ एक बार देख लीजिए बेल्ट की जो बुनाई है बुनाई का तरीका कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाएगा उसके बाद जो मनी लगाने का तरीका या फिर घुंघरू लगाने का तरीका बहुत ही मजबूत तरीका है दोस्तों इस तरह से आप लगाओगे तो ये घुंगू या फिर मनी कभी भी नहीं खुलेंगे उसके बाद हमने क्या किया माला के आखिरी हिस्से के ऊपर इस टाइप से दो हिस्से बना ले इसका काम क्या है जो शुरुआत में हमने लूप बनाया था इसके अंदर इस टाइप से गठन मारकर जानवर के ऊपर बांधने के लिए तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि माला कैसे बनानी है कैसी बुनाई करनी है फिर भी माला के बारे में या फिर बुनाई के बारे में कुछ सवाल है कुछ सुझाव है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में या फिर किसी एक स्पेशल एपिसोड में इसको क्लियर करने की कोशिश मैं अवश्य करूंगा वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल बेलाइकॉन को दबाकर ऑल कीजिए और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान